नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि गोल्ड लोन के बेनिफिट्स क्या हैं। गोल्ड लोन लेना कोई एक बुरी बात नहीं है। सुविधा के लिए ही गोल्ड लोन सरकार ने मार्केट में पेश किया है। किस प्रकार हम गोल्ड लोन लेकर अपनी मुसीबत के समय में कैश प्राप्त करके अपने कार्य को पूर्ण गति की ओर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट गोल्ड लोन का ये है कि इसमें ईएमआई बना दी जाती है, और ईएमआई दूसरी लोनों की तरह नहीं है, यह दिनों पर आधारित होती है। अगर हम जो हमने लोन लिया है, जितनी परसेंटेज पे हमने लोन लिया है वह निश्चित कर दिया जाता है। अगर हम 2% ब्याज पर लोन ले रहे हैं तो वह निश्चित होगा, हमें 2% ही देना पड़ेगा। अगर तय सीमा से बाद में हम लोन का भुगतान करेंगे तो हमें पेनल्टी पड़ेगी, अदरवाइज जितने दिनों को निश्चित करोगे उतने दिनों का ही ब्याज देना पड़ेगा। अगर हमने 30 दिनों के लिए लोन लिया है, 30 दिनों में अमाउंट तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन कस्टमर को ज़्यादा कैश लेने के लिए ब्याज भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ये बात सच है कि हम मार्केट वैल्यू का 85% हमें कंपनी दे देगी, लेकिन 85% लेने के लिए ब्याज का भुगतान भी ज़्यादा करना पड़ेगा। बजाय इसके अगर हम 80% ले लें तो उसमें हमें 6 महीने का टाइम मिल जाएगा और उसमें ब्याज भी कम पड़ेगा, 1.75 रुपये के लगभग ब्याज पड़ेगा। तो बार बार कंपनी भी यही कस्टमर को निर्देश देती है कि बजाय 1 महीने लेने के, ज़्यादा वैल्यू लेने के हम लालच में 85% मिल रहा है, और 85 और 80 में कोई ज़्यादा रकम का अंतर नहीं होता, लेकिन दोस्तों ब्याज का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको रकम ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा गोल्ड देकर उसी रकम का 85% की बजाय 80% ले लें तो आपको ब्याज भी कम भुगतान करना पड़ेगा और दिनों के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि कंपनी में जो दिन होते हैं, 1 महीना होता है वह 30 दिनों का कैलकुलेट होता है, और जो 1 साल होता है 365 की बजाय 360 दिन की कैलकुलेशन होती है। सो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखकर आप गोल्ड लोन से बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आपने गोल्ड लोन लिया 1.25 रुपये के हिसाब से, तो आप उस कैश को दूसरी जगह पर लोन देकर 2% भी प्राप्त कर सकते हैं। बीच में जो 75 पैसे का डिफरेंस है उसको आप अपने फायदे के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। सो इस प्रकार होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन में इतने बेनिफिट नहीं हैं जितने के गोल्ड लोन में हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गोल्ड लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट हम गोल्ड परचेज करने में भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास घर में गोल्ड पड़ा है, उसी गोल्ड से हम नया गोल्ड भी बना सकते हैं। यह बात आपको अचंभा लगेगी, इसके मैं आपको विस्तार पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जो हमारे पास गोल्ड है उसका हम 80% वैल्यू लेकर 1.25 रुपये के हिसाब से उनको ब्याज देना है, और वहाँ से हम उसी गोल्ड को 80% वैल्यू लेकर हम नया गोल्ड परचेज कर सकते हैं। गोल्ड की जो वैल्यू है दिनों दिन बढ़ रही है। शायद आपको मालूम होगा, आज से 3 साल पहले जो गोल्ड का रेट था लगभग 25,000 था, आज की डेट में उसी गोल्ड का 37,000 रेट हुआ पड़ा रहा है। क्या कोई वस्तु हमें मात्र 3 साल में 13,000 का बेनिफिट दे सकती है? इसी प्रकार मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गोल्ड लोन के बेनिफिट्स दूसरे लोन से कहीं ज़्यादा हैं, और आप इसको कम समय में कम ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।